जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। उषा के किचन में आप मन के स्वागत है। तो आज बनेंगे हम बेसन के लड्डू। बेसन के लड्डू बनाए बर हम ले हैं 200 ग्राम बेसन, 200 ग्राम शक्कर, 150 ग्राम घी, 8-10 बादाम, 3-4 हरी इलायची। हरी इलायची के पाउडर बना लेंगे। बादाम ला हम टुकड़ा टुकड़ा में कर लेंगे। बेसन के लड्डू बनाए बर सबसे पहले हम तगार बना लेंगे। हम गैस जला के कढ़ाई चढ़ा ले हैं। यही में डालेंगे 1/2 कप पानी। अब डाल देंगे शक्कर। धीमी आंच में चम्मच चलाते हुए शक्कर पकाएंगे संगवारी को। शक्कर अच्छा से भून गए हैं। अब यही में हम 2 छोटे चम्मच घी डालेंगे। चम्मच चलाते रहेंगे। अब हम गैस ला बंद कर लेंगे। गैस ला बंद करने के बाद हम चम्मच चलाते रहेंगे संगवारी को सूखा के होट तक। 3 मिनट करीब हो गए हैं गैस ला बंद करे। ये देखो संगवारी को तगार गाढ़ा हो गए है। इला हमला और सूखा करना है। यह ठंडा होने के बाद आप ही आप सूखा हो जाते। तगार सूखा हो गए है। हम और सूखा करेंगे और चम्मच चलाते रहेंगे ताकि तगार अलग अलग हो जाए। तगार बहुत ही बढ़िया बने संगवारी हो। ये देखो खिले खिले कुछ गड़ा गड़ा भी है। इला हम मिक्सी के जार में रख लेंगे और पीस लेंगे। इखर से और बढ़िया बन जाएगी। तगार हल्का से मिक्सी में पीस ले हम ताकि ज़्यादा गड़ा रहे वह पिसा जाए। इसलिए संगवारी हो अगर आपके पास मोटा चन्नी हो ही तो आप चाल सकत हो। मेरे पास नहीं है तो मैं तगार नहीं चालू। ये देखो फिर से गैस जला ले हैं, कढ़ाई चढ़ा ले हैं। अब डालेंगे घीला। घीला हम थोड़ा से बचा लेंगे, बाद में जरूरत पड़ सकती है संगवारी को। अब डालेंगे बेसन ला। गैस के आंच ला धीमी रख लेंगे और भूजेंगे धीमी आंच में बेसन ला। कढ़ाई ला खुरते हुए चम्मच चलाते रहेंगे नहीं तो बेसन नीचे से जल जाते। बेसन ला भूंजे में जल्दबाजी नहीं करना है संगवारी को। धीमी आंच में ही भूनना है। तेज आंच से बेसन जल जाते और कच्चा रह जाते, अच्छा से नहीं भून जा पाए। जो घी बचा है ओला ऊपर से उड़ाल देते। हम घी डालने के बाद 2-3 मिनट और भूंजे हैं। अभी में थोड़ा सा पानी छिड़क देंगे दानेदार लाइबर। चम्मच चला लेंगे। 1/2 चम्मच हल्दी डाल देंगे। कलर लाएगा, अब फूड कलर भी डाल सकते हैं सोमवारी को पीला कलर के। बेसन अच्छा से भुंजा गए। अब कर देते हैं गैस ला बंद। गैस ला बंद करने के बाद भी हम थोड़ा देर चम्मच चलाते रहेंगे सोमवारी को। कढ़ाई में जलेना एक हर कारण हम बेसन ला थोड़ा ठंडा होने देंगे। बेसन ला ठंडा कर ले हैं, ठंडा हो गए हैं। बहुत ज़्यादा ठंडा नहीं करे हैं संगवारी हो। हम इतना ठंडा करे हैं कि हम हाथ से पकड़ सकें। अब डाल देंगे बादाम और इलायची पाउडर ला। अच्छा से मिला लेंगे। अब जो तगार बना है उला डालेंगे। अच्छा से मिला लेंगे सब ला। तगार और बेसन ला अच्छा से मिला ले हैं, मिक्स हो गए हैं, मिल गए हैं। अब हम लड्डू बना लेंगे। आप अपन मनपसंद छोटे बड़े आकार के बना सकते हो संगवारी को। ये देखो संगवारी को बढ़िया लड्डू बना थे। इसी ही हम दूसरा लड्डू ला बना लेंगे। अगर ये जगह आप मतलब ज़्यादा सूखा लगा थे तो थोड़ा सा घी और डाल सकते हो। जितना तैयार कर रहे हैं उतना के लड्डू बना ले हैं। लड्डू बहुत ही बढ़िया बने हैं संगवारी को। लड्डू ला तोड़ के दिखा देता हूँ मैं आप मल्ला। ये देखो संगवारी को बेसन के लड्डू बनाए की विधि आप मल्ला कैसे लगी संगवारी को कमेंट में बताऊ। अगर ये विधि आप मल्ला पसंद है सो ही तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करूँ।